सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वो इंक्लाइन प्लेन पे क्या मीनिंग है, कैसे उसका मीनिंग है, क्या उसको हम कैसे उसको टाइम ऑफ फ्लाइट और उसमें हम मैक्सिमम रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कैसे करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन को सिंपली अगर हॉरिजॉन्टली प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो नहीं देखे तो उनको जाके देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट जो इंक्लाइन प्लेन पे है आपको डेफिनेटली समझ आएगा। वैसे इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, सेम आप जैसे प्रीवियस आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन सीख की थी सेम ही रहेगी आपकी किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है वो बात करेंगे। देखो बेटा, इससे प्रीवियस वीडियोज में जो हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था बेटा कि सपोज करो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मैंने मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करते थे, सिंपली इसको मान लिया कोई पॉइंट ए, तो यहाँ ए पॉइंट से आपने सपोज करो किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया तो वो इस तरीके का कोई ट्रेजेक्टरी पाथ बना के वो किसी ना किसी पॉइंट पर ग्राउंड पर हिट कर जाती थी। सिंपली हम इस टाइप के प्रोजेक्शंस के बारे में डील कर चुके हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि किस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करेंगे, वो क्या कह रहा है कि आपने यहाँ से तो बॉल को प्रोजेक्ट नहीं किया। सपोज करो आपके पास क्या है, ऐसे है बेटा कि सपोज करो ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास क्या है, सपोज करो कोई ऑब्स्टिकल है, सपोज करो मतलब सपोज करो ये मैंने ले लिया कोई दीवार है बेटा, इस टाइप से कोई दीवार है आपके पास, ठीक है। ये दीवार है तो आपने इस दीवार के ऊपर खड़ा होके, ठीक है, फिर प्रोजेक्शन करनी है, समझ रहे हो आप ये चीज़। सपोज करो ऐसे कोई ये दीवार है आपके पास इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करती है, तो इन दैट केस अगर आप इस वॉल से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके का प्रोजेक्शन अटेन करेगी और उस केस में हम हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपको सिंपली कंसेप्ट आता है कि आप जब हॉरिजॉन्टली प्लेन के अलोंग कोई भी प्रोजेक्शन करते थे बिल्कुल सिमिलर रहेगा, माइनर सा डिफरेंस रहेगा, क्रैम करने की नीड नहीं पड़ेगी बेटा, बने रहे आप मेरे साथ। तो सपोज करो मैंने ये मान लिया कि ये कोई इंक्लिनेशन है बेटा, ये कोई वॉल है मेरे पास जो अलोंग एक्स एक्सिस के साथ में मैंने मान लिया थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये कोई वॉल है आपके पास, कोई दीवार है आपके पास, कोई प्लेन है आपके पास जो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, थीटा एंगल ऊपर है, क्लियर। तो अब आपने यहाँ से प्रोजेक्शन करनी है, मैंने मान लिया बेटा इसको पॉइंट ए, तो आपने इस ए पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया तो वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे कोई भी एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगी और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी। चूंकि ये ऑब्स्टिकल है, ये यहाँ पे क्या है, कोई भी दीवार मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये वो इससे नीचे नहीं आएगी तो वो यहाँ पे आके क्या करेगी, इसको स्ट्राइक करेगी। मैंने मान लिया कि वो बी पॉइंट को स्ट्राइक कर रही है, क्लियर बेटा, और कोई ना कोई उसका वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। मैंने मान लिया कि उसको मैंने यू वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट किया है और कुछ ना कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी होगा, तो ये भी मैंने मान लिया कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा वो कितना है, अल्फा है। थीटा हमारा जो एंगल है वो इंक्लिनेशन प्लेन का है, ठीक है, और जो अल्फा एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको हमने ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ। तो यहाँ पे क्या चेंजेस रहेंगे वो मैं बात कर, देखो थोड़ी देर के लिए अब क्या सोचें बेटा, जो आप हॉरिजॉन्टली एक्सिस के अलोंग ही कोई प्रोजेक्शन करते थे उस केस में क्या होता था, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनते थे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लो कि आपने जो ये प्लेन है ना, इस जो इंक्लिनेशन प्लेन है इसको आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब आपने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, इस प्लेन को आपने ऐसे शिफ्ट कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो होगा क्या, देखो मतलब जस्ट इसको मैंने ऐसे करके एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो मैं इसको ऐसे कंसिडर करूँगा। देखो क्या क्या चेंजेज आएंगे वो बात करेंगे। ये मेरा है बेटा इंक्लिनेशन प्लेन, मेरा ये आ गया, ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो सेम इंक्लिन, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया और ये आपने इसको यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने कितना कंसीडर किया है, अल्फा, ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है आपका, क्लियर हुआ। मतलब आपने इंक्लिनेशन प्लेन को एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया तो ये वाली प्रोजेक्शन बन गई आपकी, क्लियर। तो अब आप देखो इस टाइप के प्रोजेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ चेंजेस क्या रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, जब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी अगर यू है तो यहाँ पे इस यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा अलोंग
दिस प्लेन, जो भी ये प्लेन है, तो वो क्या होता है आपका यू कॉस अल्फा। एक बेटा होगा आपका परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, मतलब कि अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मान लिया ये है आपका, तो यहां मैंने मान लिया इसका ये वाला, ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपका सपोज करो, तो ये मैंने मान लिया यू साइन अल्फा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस वाले एंगल प्रोजेक्टाइल में, इस वाली प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस पूरी जर्नी में क्या क्या चेंजेस होंगे वो बात करते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये तो हुए यू के कॉम्पोनेंट। अब हमारे पास क्या था, जब अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन थी, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस जब हम काम करते थे तो वहाँ पे क्या था, जो एक्सेलरेशन थी वो सिर्फ डाउनवर्ड लगती थी इन वाई डायरेक्शन। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन के भी दो कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, वो कैसे, देखो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो अभी मेरे पास क्या है, ये वाला इंक्लिनेशन प्लेन है, ठीक है, और ये मेरे पास, यहाँ से मैंने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो दो कंपोनेंट तो हो गए यू के। यहाँ पे तो क्या हो गया, यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा। दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास। उसके बाद अगर मैं अब बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा आपका, यहाँ पे ऐसे लगेगा डाउनवर्ड, समझ आ रही है बात, ये लग रहा है आपका जी। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा इस जी के भी दो कंपोनेंट होंगे, क्लियर। आपने पढ़ा भी होगा इस टाइप से कि सपोज करो ये आपके पास कोई एंगल थीटा बन रहा है, क्लियर, ये कोई ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सपोज करो आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है, सपोज करो जिसका मास एम है, तो ये जो वेट है इसका कितना बन जाता था, एम जी, क्लियर। उसके बाद इसके दो कंपोनेंट आ जाते थे बेटा, एक अलोंग दिस और एक अलोंग, आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो जो हमारे पास अलोंग बी, अगर मैं मान लूँ अलोंग ए बी जो हमारे पास यहाँ कंपोनेंट है वो क्या है, यू कोस अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो जी के दो कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, इस थीटा के कोरस्पोंडिंग आएंगे, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अल्फा तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा के कोरस्पोंडिंग हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। जब मैं बात करता हूँ ऐसे वाले केस में तो वो क्या हो जाता है आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ अलोंग ए बी, तो अलोंग ए बी मेरे पास कंपोनेंट हो जाता है ऐसे, वो हो जाता है बेटा जी साइन थीटा, ठीक है। और जो हमारा होगा अलोंग वाई एक्सिस, अगर मैं बात करूं तो वो कंपोनेंट मेरे पास मान लिया हमारा वाई एक्सिस ये है बेटा, ठीक है, तो ये इसके अलोंग डाउनवर्ड ही लगेगा वो भी, वो हमारा हो जाता है बेटा जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अलोंग में इसके ओपोजिट आएगा, जी कोस है तो हमारा साइन हो जाएगा, और परपेंडिकुलर वाले में क्या आएगा आपका जी, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कोस थीटा हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे सेम करते थे, कैसे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्टिकल के दो कंपोनेंट हो जाते थे, फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता था बेटा एम जी, यहाँ पे अगर इसके अलोंग कर रहे हैं तो एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो आ जाता था एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है पाई बाई टू, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बना पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है बेटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ऐसे केस में इस वाले पार्टिकल के दो कंपोनेंट होते थे, कौन से, एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। तो अपने केस में एम का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है। कहाँ पे है एक्सेलरेशन, देखो जब ये इंक्लिनेशन प्लेन है तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी बेटा, अलोंग आपका ओपोजिट टू ए बी भी होगी, और आपका डाउनवर्ड मतलब कि ओपोजिट टू वाई एक्सिस भी होगी। अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूँ तो इसके ओपोजिट भी होगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, और यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो वो इसके ओपोजिट भी होगी। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, ध्यान रखना है बस आपने, एक जी साइन थीटा और एक बेटा जी कॉस थीटा। ये आपका इसको मान सकते हैं आप ये एक्स एक्सिस वाला है थोड़ी देर के लिए, और इसको मान सकते हैं आप ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है मेरे पास जी कॉस थीटा। अब ये आपका चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको भी मैं माइनस जी कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे ये भी आपका
आप बैकवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो इसको भी मैं क्या यूज करूंगा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, ये तो चीज़ है सेम, बाकी कंसेप्ट सेम रहेंगे कि जो बेटा रेंज होगी वो आपकी ए बी होगी और मैक्सिमम हाइट को मैं यहाँ पे जो भी आपकी हाइट ही अटेन करेगी जब ये बिल्कुल मिड में होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा किसका, वेलोसिटी का, वो कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि वो म्यू, मतलब ऐसे कहें कि वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो ना हुआ तो जो पार्टिकल है, जो बॉल हमने फेंकी है, वो कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ जाती जाएगी। जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा तभी वो कहाँ आएगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी आपकी। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ये ध्यान रखना आपने। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया है कि जो एक्सेलरेशन जी है उसके दो कंपोनेंट बन चुके हैं, अगर अलोंग एक्स एक्सिस वाले की बात करें तो माइनस जी साइन थीटा है, ओपोजिट है उसका, और अगर मैं बात करूं इस जी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो माइनस जी कॉस थीटा है। यहां पे उल्टा था, अगर हम बात करें यू के दो कंपोनेंट थे अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस अल्फा, ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस यू साइन अल्फा, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है कि जी का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या होगा, अगर वहाँ पे यू कोस अल्फा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा जी साइन थीटा, और वर्टिकल में जी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो ध्यान रखना आपने इंक्लिनेशन एंगल है, जो हमारा प्लेन है जहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट करना है, और अल्फा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ऐसे केस में अगर आपको फाइंड करना पड़े बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बट इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जब मैं बात करूंगा, वो बात करूंगा मैं इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, वाई डायरेक्शन में यू वेलोसिटी जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, उसका वाई कॉम्पोनेंट क्या है वाई एक्सिस में, यू वाई क्या है हमारा, यू साइन अल्फा, मतलब ठीक है बेटा u साइन अल्फा, ये क्या है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब अगर मैं एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में बात करूं तो वो क्या है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, y डायरेक्शन तो ये है, तो वो क्या है, डाउनवर्ड होने की वजह से माइनस जी कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है बस आपने। तो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी कॉस ऑफ थीटा, बस ये चेंज है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात कर, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट की जब भी बात करेंगे हम कहाँ पे बात करेंगे बेटा, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ए से, इसको मान लो आप एस पॉइंट मान लो, कि ए से एस पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की हाफ जर्नी में वो कितना टाइम लेगी हम बात करते हैं अभी, उसके बाद जितना भी टाइम आएगा उसको टू टाइम्स कर देंगे, वो पूरी की पूरी फ्लाइट का आ जाएगा। तो अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ ए से एस तक जो हाफ जर्नी है हमारी, वहां से एस तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा। तो अभी अब बात करें अगर अगर मैं बात करूं एस में, ठीक है, ए से एस तक जाने में उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन में, अगर वो ए से एस पे जाते हैं बेटा, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं डिनोट कर लेता हूं, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, या बात करें आप, चलो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे बात करूंगा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है बेटा क्या होती है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मैं ये वाली यूज कर लेता हूं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली यूज करें तो इसमें आ जाएगा आपके पास t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होती है v स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ में। ठीक है बेटा, तो इस वाली जब इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ मैं काम करूंगा तो मैं यहाँ पे इसको कौन सी डायरेक्शन में ले रहा हूँ बेटा, वाई डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे कर ले कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन और इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, देखो हम फाइंड कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो बेटा आप ये चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जाने में वाई डायरेक्शन में कितना है, या आप डायरेक्ट अगर बात करें
यहाँ से इसको छोड़ दो, क्योंकि इस केस में अगर मैं हाफ जर्नी में बात करूंगा तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देखो यहां से यहां तक जाने में वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में भाई यहां से इतना ऊपर तो गई है, तो ये वाई डायरेक्शन का ही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता, ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना आपको, तो वो वाला डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से पूरी जर्नी का ही टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेते हैं एक बार में ही, कि पूरी की पूरी जर्नी में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कितना होगा। देखो अब आप चेक करो कि ए से बी तक जाने में बी पे उसके पास वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ से चला ये वाई में डिस्प्लेसमेंट, जितना भी ऊपर जाएगा वो वाई डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बट अगर जब बी पे आता है तो वो कहाँ आ गया, ग्राउंड पे हिट कर गया। तो इसका मतलब कि ए से बी तक जाने में अगर मैं बात करूँ वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है आपका, जीरो। क्लियर हुई ये बात, बी पे उसके पास वाई डायरेक्शन में किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आगे चलो, अब बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो कितनी हमने कंसीडर की है, यू साइन अल्फा। तो यहाँ पे यूज करेंगे बेटा यू साइन अल्फा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टी टाइम लगा, टी की वैल्यू हम बाद में फाइंड कर देंगे, प्लस हाफ। अब देखो ये क्या है, ए वाई द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितनी कंसीडर की है हमने बेटा, माइनस जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे यूज करेंगे माइनस जी कॉस थीटा और टी इज द टाइम, ठीक है बेटा। ये वैल्यू फाइंड कर लो, अब आप क्या आएगी यहां से, आपको निकालनी है टी की वैल्यू, इसको ले आओ आप लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा इंटू टी, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। राइट साइड क्या है, माइनस हाफ जी और टी स्केयर इंटू कॉस ऑफ थीटा, टी की एक पावर यहां से क्या हो जाएगी बेटा, कैंसल आउट हो जाएगी, बचा क्या, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो यहाँ बचा लेफ्ट साइड में यू साइन अल्फा, तो दैट मीन्स यू साइन अल्फा इक्वल टू, और ये टू यहाँ पे क्या है बेटा, डिवाइड में है, तो इसको भी लेफ्ट साइड ले लो, ये हो जाएगा टू यू साइन अल्फा, और बचा क्या मेरे पास, जी टी कॉस थीटा। तो जी कॉस थीटा को आप लेफ्ट साइड में ले लो, तो ये भी डेनोमिनेट क्योंकि मल्टीप्लाई में है जी कॉस थीटा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा जी कॉस थीटा। राइट साइड क्या बचा, ओनली टी। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया वो क्या आया, टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ उसको कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास क्या आया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर आपको पुराने वाला, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ पुराने वाले केस में, जब हम हॉरिजॉन्टली एक्सिस के अलोंग ही प्रोजेक्शन करते थे, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, याद करो बेटा क्या होता था, टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, ये होता था। अब हम बात करते हैं, देखो इससे रिलेट कैसे करेंगे, क्रैम नहीं करना आपको कोई भी फॉर्मूला। ये क्या है देखो, टी बराबर टू तो एज इट इज, U साइन अल्फा क्या है, U साइन अल्फा है क्या, वेलोसिटी इन Y डायरेक्शन, यही है ना। तो मैं यहां पे यूज कर लूं, ऐसे लिख दूं वेलोसिटी इन Y डायरेक्शन अपॉन G cos थीटा क्या है, एक्सेलरेशन इन Y डायरेक्शन, समझ आ रही है बात ये। तो यहां पे ऐसे यूज कर लो कि एक्सेलरेशन इन Y डायरेक्शन, और ये भी क्या था देखो, T इक्वल टू U साइन अल्फा, सेम है बिल्कुल, टू U साइन अल्फा क्या था, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन तो क्या थी, y डायरेक्शन की तो एक्सेलरेशन है ये, तो ये थी एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल केस में ओनली g थी, और यहां अपने केस में एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितनी है, माइनस g को, मतलब सेम ही फॉर्मूला है बिल्कुल। बस आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी इंक्लिनेशन प्लेन पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं आप, तो मेरे पास सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट आ जाएंगे बेटा। कौन कौन से दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन ओपोजिट इन एक्स डायरेक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में क्या है, यू साइन अल्फा, तो वहां पे ओपोजिट हो जाती है हमारी पाई बाय टू माइनस थीटा एंगल होने की वजह से, कि माइनस जी साइन की प्लेस पे क्या कॉस, और एंगल कौन सा है ध्यान रखना है, जो इंक्लिनेशन प्लेन का होगा ये वाला एंगल यूज करना है,
एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो बस ये चेंज है, तो यहाँ पे ए वाई आ जाएगा। तो ये है हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। देखो हाइट में अगर हम चलें, देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसको हटा दें यहाँ से आप पूरा, मैक्सिमम हाइट भाई कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा, एच ई आई जी एस टी, ठीक है बेटा। इसको भी मैं वाई डायरेक्शन में कंसीडर करूँगा, इन वाई डायरेक्शन। अब मैंने मान लिया कि वो एस पॉइंट पे आ गया, क्योंकि हाफ जर्नी में वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेलोसिटी या जो कंपोनेंट होगा इन वाई डायरेक्शन वो कितना हो जाएगा, जीरो। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी एस पे, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी हुई तो वो ऊपर की तरफ ही चलता रहता, तो वहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितना है, वो जीरो है। मैंने मान लिया बेटा कि यहाँ से यहाँ तक उसने जो हाइट अटेन करी वो एच करी, तो मुझे इस एच की वैल्यू निकालनी है, क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है मेरे बेटा, जीरो। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट एट एस जीरो। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितनी है, वो तो फिक्स है, माइनस जी कॉस थीटा। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट कितना है बेटा, माइनस जी कॉस थीटा। अब मैं बात करता हूं यहां पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, क्या मुझे पता है कि वी या क्या होती है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ये वाली होती है ना, v square equal to u square plus, इस वाली इक्वेशन मोशन से चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इसको मान ले y डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो vy इज द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब देखो फाइनल वेलोसिटी से मतलब क्या है, हम जा रहे हैं a से s पे, s पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कंपोनेंट अवेलेबल है वहां पे, बट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, जीरो। तो यहां पे यूज करूंगा मैं जीरो इक्वल टू यू वाई स्केयर, मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट यू का कितना है, यू साइन अल्फा, वाई डायरेक्शन में तो यही रहेगा, तो यहां पे लिख देंगे यू साइन अल्फा होल स्केयर, ठीक है बेटा, प्लस टू ए वाई, ए वाई मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन विच इज माइनस जी कॉस ऑफ थीटा। एस वाई, एस वाई इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब ए से एस तक जाने में हमने डिस्प्लेसमेंट कितना मानना है वाई डायरेक्शन में, एच मान ली, जो हमें फाइंड करना है, तो मेरे चांद ये आ गई एच, ठीक है बेटा। इसको ले आओ लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बेटा माइनस यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा इक्वल टू माइनस टू जी एच कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। माइनस माइनस दोनों साइड से प्लस हो गया, एच फाइंड करना है, बाकी को राइट साइड ले जाओ, तो कितना आ गया देखो, यू स्केयर, देखना ध्यान से, साइन स्केयर अल्फा अपॉन टू जी कॉस थीटा इक्वल टू हाइट, मैक्सिमम हाइट। आप याद करो जरा, अगर मैं बात करूं प्रीवियस वाला, जो हमने प्रीवियस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग किया था, वहां पे हाइट क्या आती थी, क्या आती थी बेटा, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन टू जी, ये आती थी। तो यहां पे भी तो सेम ही है भाई, बस यहां पे क्या है, ये जी कोस थीटा, क्योंकि जी कोस थीटा क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, समझ आ रही है बात, ये तो यहां पे भी सेम है, यू साइन अल्फा इंटू यू साइन अल्फा। तो यू साइन अल्फा क्या है यहां पे, अपने केस में यू साइन अल्फा इज द वेलोसिटी कंपोनेंट। तो अगर मैं बात करूं ये वाला थिंग क्या है, ये यही तो था कि वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्सेलरेशन, यही था सिंपल वाले केस में, अपने केस में भी तो यही है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन और उसका स्केयर भाई यू साइन अल्फा का स्केयर अपॉन ट्वाइस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन विच इज जी वाई, सेम फॉर्मूला है, समझ आ रही है बात। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो यहां पे जस्ट कुछ नहीं करना, आपको सेम करना है कि जो एक्सेलरेशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ आपकी वाई डायरेक्शन में थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में है वो जी की प्लेस पे क्या हो जाती है, माइनस जी कॉस थीटा, समझ आ रही है बात। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा, अब नेक्स्ट क्या रहेगा मेरे पास, रेंज, हाइट फाइंड कर ली हमने और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, अब रहेगी रेंज बेटा। अब रेंज के लिए देखो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को लिख कर रखो, इसका यूज होगा, एच इक्वल टू कितना आया है बेटा, एच इज इक्वल टू यू स्केयर
साइन स्केर अल्फा अपॉन ट्वाइस जी कॉस थीटा, तो ट्वाइस जी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। ये मेरे पास आ गया मैक्सिमम हाइट, क्लियर। दो फॉर्मूले मैंने अटेन कर लिए। अभी लास्ट मेरे पास रहता है कि रेंज कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। तो रेंज का जो जिक्र करेंगे अभी मैंने दोनों काम मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से वाले केस में निकालने हैं, अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं इसका काम कर लेता हूं एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये इजी रहेगी मेरे लिए। एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन में बेटा, एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है बेटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज द माइनस जी साइन थीटा, और वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, यू एक्स इज द यू कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। और उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने मान लिया, अब मैंने रेंज निकालनी है ये वाली, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है ये। अब मैंने मान लिया कि जो ये डिस्टेंस है वो मान लिया आर है, मैंने ये मान लिया कि जो रेंज है वो आर है, ठीक है बेटा। अब मुझे ये आर की वैल्यू निकालने जनरली आएगी क्या, देखो बेटा। अब वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में काम करें तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके साथ ही जाऊंगा। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ, इसके साथ ही जाएंगे। तो एस की प्लेस पे क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब आप चेक करें कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। भाई हम ए से बी तक जा रहे हैं, तो ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस कितना चला वो, मैंने मान लिया कि आर डिस्टेंस चला, जो मुझे वैल्यू निकालनी है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आर, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है मेरे चांद, यू कॉस अल्फा इंटू टी, ठीक है। अब टी क्या है, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बेटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कौन सा, पूरा ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा वो मैंने फाइंड किया हुआ पहले ही, दिस इज द टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस। मैं यहां पे यूज करूंगा उसको, टी की जगह क्या, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो ए एक्स तो माइनस में ही चलेगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन माइनस जी, तो माइनस में बाहर लिख लेता हूं एक बार में ही, तो वन बाई टू ए एक्स की प्लेस पे जी साइन थीटा, और टी बोले तो टाइम, टाइम मेरे पास ये है तो इसका स्केयर कर दो बेटा एक बार में ही। जब इसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, फोर यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन जी स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, बस कैलकुलेट करना है हमें, क्या आ जाएगा देखो, आर इक्वल टू क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये क्या आ जाएगा, टू यू इंटू यू यू स्केयर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपॉन जी कॉस ऑफ थीटा माइनस, यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होगा बेटा, एक तो हो गया हमारा जी से जी कैंसिल एक, तो बचा क्या देखो, और टू से टू टू जा फोर, तो ये क्या बनेगा माइनस का ट्वाइस, ट्वाइस तो आ गया यू स्केयर, तो यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा, तो साइन स्केयर अल्फा और साइन थीटा, साइन थीटा, और डेनोमिनेटर में क्या जी से जी कैंसिल, एक जी बचा है, जी स्केयर था ना, जी बचा और जी कोस स्केयर थीटा, देखो यही आया ना कैलकुलेट करके। अब ले लो आप एलसीएम, एलसीएम क्या है मेरे चांद, जी कोस स्केयर थीटा, तो एलसीएम तो आ गया जी कोस स्केयर, ये तो आ गया एलसीएम। देखो यहाँ पे किसकी कमी है, कोस थीटा की, तो यहाँ पे आ जाएगा टू यू स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा और कोस थीटा, ठीक है बेटा, कोस थीटा माइनस, ये क्या आएगा ट्वाइस यू स्केयर और साथ में साइन स्केयर अल्फा, साइन स्केयर अल्फा और साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है बेटा ये आ गया। अब देखो न्यूमरेटर को अगर थोड़ा सा और सोल्व हम करें तो क्या आएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये क्या आएगा देखो, R इक्वल टू, तो R इक्वल टू, R इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या कॉमन है इन दोनों में, ट्वाइस भी कॉमन यू स्केयर भी कॉमन, तो ट्वाइस यू स्केयर कॉमन आ गया बेटा, और क्या कॉमन है साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉमन, टू यू स्केयर साइन अल्फा कॉमन, बचा क्या वो देखते हैं, साइन अल्फा कॉमन आ चुका है, बचा क्या कोस अल्फा
कोस थीटा। तो बेटा कोस अल्फा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यहां से टू यू स्केयर जा चुका है, साइन अल्फा जा चुका है, एक साइन अल्फा अवेलेबल है, तो साइन अल्फा साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है बेटा। और डेनोमिनेटर क्या बचा, जी कॉस स्केयर थीटा, तो जी कॉस स्केयर थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया, देखो टू यू स्केयर साइन अल्फा इंटू क्या फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बन गया ये कोस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है बेटा। और डेनोमिनेटर में क्या, जी कॉस स्केयर थीटा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या है, रेंज है, इसको क्रैम नहीं करना, ठीक है, ये डायरेक्ट जब क्वेश्चन में आएगी तो डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बस समझ आ रही है बात। तो बेटा हमने इस केस में रेंज, सो बेटा इसमें हमने क्या फाइंड किया, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, रेंज फाइंड की और मैक्सिमम हाइट फाइंड की। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सिंपली आएंगे कि आपको इंक्लिनेशन दिया होगा प्लेन का और आपको प्रोजेक्शन एंगल दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, तो सिंपली आपको जो भी फाइंड करवाना है रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट या आपसे मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इस वाले आर्टिकल में कोई भी डाउट बचते हैं आपको तो बेटा आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपको फाइंड सोल्यूशन चाहिए तो अभी आप कॉमेंट कर सकते हैं। और बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन 4 हम करेंगे अब, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।